साइंस क्लासेस, अब तक हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचाने, आखिरकार सेंटेंसेस में ऐसा क्या दिया हुआ होता है जिससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोई सा भी सेंटेंस हो, जनरली अब तक हमने पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस के एंड में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिए में हैं, तो वो सेंटेंस जनरली प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। आप इसको एक अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे लिया है, दिया है, किया है, गए हैं, आए हैं, बैठे हैं, तो कितना याद करेंगे। इससे बेटर है कि कोई भी सेंटेंस यदि आ, ई, ए की ध्वनि के बाद में है और है पर खत्म हो रहा है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैंने अपना काम कर लिया है, आ और है की ध्वनि आ रही है। वो चले गए हैं, ए और है की ध्वनि आ रही है। मैंने नाश्ता कर लिया है, आ और है की ध्वनि आ रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस ये होता है ऐसा काम जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है, हाल ही में जो काम कंप्लीट हो गया रिसेंटली, या पहले ही कोई काम पूरा हो चुका है, हाल ही में अभी नजदीकी समय में जो हमारा काम पूरा हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट का कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे कार्य जिनका असर अभी भी जारी है, जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आप खाना खाएंगे, आप कहोगे नहीं मैंने खाना खा लिया है, तो आप क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस खाने का असर अभी भी है, आपको अभी खाने की आवश्यकता नहीं है। मेहमान आते हैं या कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है, हम कहते हैं चाय पियेंगे, तो वो ये कहता है कि नहीं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने चाय पी ली है, पी ली है। इस बात का मतलब क्या है कि उसे अभी चाय पीने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये भी कहता है या घर पर पिताजी कहते हैं नहा लो, हम क्या कहते हैं मैं नहा चुका हूं, मैंने नहा लिया है, तो आप दोबारा क्यों नहीं नहा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने वो जो काम किया है उसका इफेक्ट अब तक है। तो ऐसा कार्य जिसका इफेक्ट अब तक हो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं। जैसे लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है तो असर अभी तक है, कोरोना वायरस जो वायरस है उसके कारण बीमारियां फैल चुकी है, असर अभी तक है। तो ऐसे ही सेंटेंस हम बहुत सारे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। तो देखें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा स्टार्ट होगा, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनि प्लस है और है होना चाहिए। यदि या तो हम याद कर ले चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनि प्लस है होना चाहिए। जैसे इसमें देख सकते हैं आ की ध्वनि आ रही है, यहां ई की ध्वनि आ रही है और यहां ए की ध्वनि आ रही है, तो ये सेंटेंस भी चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये भी हमारे आ ई ए की ध्वनि प्लस है पर ही खत्म हो रहे हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इस सेंटेंस में, कोई सब सेंटेंस हो सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज जो सिंगुलर के साथ आएगी, है जो प्लूरल के साथ में आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, यहां हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। एडवर्ब्स इसकी कैटेगरी है, एडवर्ब वो एडवर्ब जिनके द्वारा हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ आता है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें फिल अप करना पड़ता है, तो हम उस एडवर्ब से ये पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस का है। रिसेंटली, आर ई सी ई एन टी एल वाई, रिसेंटली का मीन हो गया हाल ही में, ऑलरेडी ए एल आर ई डी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, सो फार अब तक आप तीन किताबें लिख चुके हैं, अब तक काफी लोग हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण मर चुके हैं, नॉट येट अब तक लॉकडाउन 50 दिन तक हो चुका है, नॉट येट अभी तक नहीं, कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की जो वैक्सीन है वो अभी तक संसार में नहीं आई है, जस्ट अभी, मैंने अभी खाना खाया है, पिताजी अभी गए हैं, मेहमान अभी आए हैं, बरसात अभी रुकी है, जस्ट नाउ अभी अभी, डॉक्टर अभी अभी गया है, दुकान अभी अभी बंद की है, ऑलवेज हमेशा, आप हमेशा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे पिताजी ने हमेशा लोगों का भला किया है, नेवर
कभी नहीं, उन्होंने मुझे पैसा कभी नहीं दिया, एवर सदैव या कभी। अब हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सो मेरा भाई पहले ही नाश्ता कर चुका है, पहले आप सब्जेक्ट को अंडरलाइन करें, क्या दिया हुआ है, मेरा भाई, पहले ही क्या दी हुई है, एडवर्ब दी हुई है, नाश्ता क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और कर चुका ये क्या दिया हुआ है, हमें हमारी एक्शन वर्ब दी हुई है, चुका है, सेंटेंस की लास्ट में पता लग गया चुका है आया हुआ है, या फिर आ ए की ध्वनि पर सेंटेंस एंड हो रहा है, हमें लिखेंगे मेरा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सब्जेक्ट, क्या लिखा हमने, माई ब्रदर, माई ब्रदर, फिर क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स वी राइट हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर क्या लिखेंगे एडवर्ब, पहले ही क्या बताया था मैंने, ऑलरेडी, क्या बताया था, ऑलरेडी, माई ब्रदर हैज ऑलरेडी, माई ब्रदर हैज ऑलरेडी, नाश्ता करना क्या होता है, या तो हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट, तो माई ब्रदर हैज ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, माई ब्रदर, क्या बन गया सेंटेंस हमारे, माई ब्रदर हैज ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मेरा भाई पहले ही नाश्ता कर चुका है। सेकेंड सेंटेंस, आपने सब्जेक्ट दिया, हाल ही में एडवर्ब दी गई, तनख्वाह ऑब्जेक्ट दिया गया है, प्राप्त की है ई की ध्वनि आ रही और है, आपने हाल ही में अपनी तनख्वाह प्राप्त की है। अब यहां देखें आपने, ये क्या है, सामने वाले को कहा जा रहा है, सामने वाला कौन है, यू, तो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, यू हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू के अकॉर्डिंग हैव, यू हैव, हाल ही में क्या एडवर्ब क्या दी है, रिसेंटली, यू हैव रिसेंटली, यू हैव रिसेंटली, रिसेंटली यानी हाल ही में, प्राप्त करना रिसीव भी कर सकते हैं हम, गेट भी कर सकते हैं, तो यू हैव रिसेंटली गॉट सैलरी, सैलरी कहेंगे इसको, सैलरी नहीं कहेंगे, यू हैव रिसेंटली गॉट सैलरी, आपने हाल ही में सैलरी प्राप्त की है। नेक्स्ट, भारतीय टीम, दैट इज सब्जेक्ट, अब तक एडवर्ब, 250 रन बना चुकी है, 250 रन क्या हो गया, भारतीय टीम जो है वो अब तक 250 रन बना चुकी है, तो 250 रन तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब तक एडवर्ब हो गई, और भारतीय टीम हमारा सब्जेक्ट हो गया, बना चुकी है ये हमारी वर्ब हो गई, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, भारतीय टीम, क्या होगा, इंडियन टीम, इंडियन टीम has, ये एडवर्ब अब तक जो है ये एंड में लिखी जाती है, बनाना क्या होता है, रन बनाना क्या होता है, स्कोर, तो क्या लिखें, इंडियन टीम हैज स्कोर्ड 250 रन्स अब तक, सो फार इंडियन टीम हैज स्कोर्ड 250 रन्स सो फार, भारतीय टीम अब तक 250 रन बना चुकी है, उसने हमेशा मुझे बचाया है, उसने हमेशा मेरा रक्षक किया, उसने हमेशा मुझे बचाया विपत्तियों से, मुसीबतों से, कोई भी समस्या जो आ रही है उन सभी से उसने मुझे बचाया है, उसने, ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमेशा एडवर्ब हो गई, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, बचाना हमारी वर्ब हो गई, क्या लिखेंगे, ही हैज ऑलवेज बचाना सेव, ही हैज ऑलवेज सेव्ड मी, ही हैज ऑलवेज सेव्ड मी, उसने हमेशा मुझे बचाया है, गुड़िया अभी तक नहीं सोई है, क्या लिखेंगे, गुड़िया, GUDIYA, गुड़िया ये हमारा सब्जेक्ट है, अभी तक ये हमारी एडवर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं सोई है, तो गुड़िया हैज नॉट स्लेप्ट, गुड़िया हैज नॉट स्लेप्ट, अभी तक सो, सॉरी, येट,
गुड़िया अभी तक नहीं सोई है, अभी तक के साथ नहीं भी आ रहा है, नॉट येट का यूज करेंगे, नॉट येट मैंने आपको एडवर्ब दी है, अभी तक नहीं, गुड़िया हैज नॉट स्लेप्ट येट, गुड़िया जो है वो अभी तक नहीं सोई है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है और ये जो एडवर्ब्स मैंने आपको बताई है, इन एडवर्ब्स के बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना कर देखें। अधिकतर छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप धीरे धीरे बोल कर देखें, जैसे आई हैव टेकन माय मील, मैं अपना भोजन कर चुका हूँ, आई हैव रेड न्यूज़पेपर, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, यू हैव बॉट ए न्यू काइट, तुम एक नई पतंग खरीद चुके हो, माय फादर हैज बॉट ए न्यू हाउस, मेरे पिताजी एक नया मकान खरीद चुके हैं। बार बार बोल कर देखो, बोल कर देखोगे तो ये जो है, जो भी लैंग्वेज है हमारी, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, स्पोकन जो है, कम्युनिकेशन हमारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मैंने आज आपको पढ़ा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, जाहिर है आपको लर्न करेंगे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिलिंदा ब्लैंक करवाऊंगा तीनों सेंटेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, आप उसको कैसे पहचानते हैं और फिलिंदा ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिलअप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।